जय हिंद। आज हम लोग रेगुलेशन नंबर 182 को देखने वाले हैं, जो कि है आपका प्रिकॉशन टू बी टेकन इन सेफ्टी लैंप रूम। दोस्तों, यह जो टॉपिक है वो आपके गेस टेस्टिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे रेगुलेशन ही आपके गेस टेस्टिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट्स या फिर क्यूरीज होती है रिगार्डिंग गेस टेस्टिंग एग्जाम के, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं रेगुलेशन नंबर 182 को। पहला पॉइंट में कहा गया है कि नो अनऑथराइज्ड पर्सन शैल एंटर इन द सेफ्टी लैंप रूम। जो अनऑथराइज्ड व्यक्ति हैं उसको सेफ्टी लैंप रूम में एंटर करने से मना किया गया है। यदि हम लोग बात करें कि सेफ्टी लैंप रूम में कौन कौन व्यक्ति एंटर कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैसे व्यक्ति ही एंटर कर सकते हैं जिसको सेफ्टी लैंप लेना है फ्रॉम द सेफ्टी लैंप रूम। और जो व्यक्ति यहाँ पे सेफ्टी लैंप रूम में एज अ वर्क पर्सन डिप्लॉयड है, वे भी यहाँ पे सेफ्टी लैंप रूम में एंटर कर सकते हैं। और फर्दर आपका जो भी ऑफिशियल्स है वे सभी आपका सेफ्टी लैंप रूम में एंटर कर सकता है। और इसके अलावा कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन को सेफ्टी लैंप रूम में एंटर करने से मना किया गया है रेगुलेशन सब रेगुलेशन 1 में। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सेफ्टी लैंप रूम के अंदर में स्मोक नहीं करेगा। स्मोक कहने का मतलब है कि सिगरेट और बीड़ी, ये सभी चीज़ें वहाँ पे वो नहीं पिएगा सेफ्टी लैंप रूम में। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि जहाँ पर आपका पेट्रोल, बेंजोल और अदर हाईली वोलाटाइल स्पिरिट होगा, यदि हम लोग बात करें कि वोलाटाइल स्पिरिट का मतलब क्या होता है, तो वैसे चीज़ें जिसको हम लोग ओपन कर देंगे तो वो तुरंत उड़ जाता है, उसको हम लोग हाईली वोलाटाइल स्पिरिट कहते हैं। जैसे कि आपका पेट्रोल, यदि हम लोग पेट्रोल को ओपन करके रखेंगे वो तुरंत ही ऊपर उड़ जाएगा, इसलिए हम लोग उसको भी हाईली वोलाटाइल स्पिरिट कहते हैं। जहाँ पर भी ये सभी हाईली वोलाटाइल स्पिरिट रखे जाएंगे वहाँ पर हम लोग को कुछ प्रिकॉशन पहले से लेना है, उसके बारे में यहाँ पर आपका चर्चा किया गया है। ए पॉइंट में कहा गया है कि लैंप शैल बी क्लीन रिफिटेड एंड रिफिल्ड इन अ सेपरेट रूम। दोस्तों, जहाँ पर भी जो सेफ्टी लैंप है उसको यदि हम लोग क्लीन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सेफ्टी लैंप को हम लोग खोल के ही क्लीन करेंगे। तो उस सेफ्टी लैंप को जब हम लोग फिट करेंगे और उस सेफ्टी लैंप में जब हम लोग तेल को डालेंगे एज अ फ्यूल, तो ये सभी चीज़ें करने के लिए हम लोग उसको एक सेपरेट रूम में करेंगे। ये सभी चीज़ें, क्लीनिंग हो गया, आपका रिफिटेड हो गया और रिफिलिंग, ये सभी चीज़ें हम लोग एक सेपरेट रूम में करेंगे। बी पॉइंट में कहा गया है कि हम लोग उतना ही वोलाटाइल स्पिरिट, जैसे आपका पेट्रोल हो गया वो आपका वोलाटाइल स्पिरिट है, तो पेट्रोल को हम लोग यूज़ में लाते हैं एज अ फ्यूल के तौर पर सेफ्टी लैंप में। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी वोलाटाइल स्पिरिट है उसको हम लोग एक दिन में जितना उसका यूज़ आएगा उतना ही कैपेसिटी में हम लोग उसको रखेंगे। ऐसा नहीं है कि चार दिन का हम लोग पहले से ऑलरेडी मंगा के तेल को रख दिए, वैसा नहीं है। एक दिन में जितना यूज़ आने वाला है उतना ही कैपेसिटी में हम लोग, क्वांटिटी में हम लोग वोलाटाइल स्पिरिट को रखेंगे। सी पॉइंट में कहा गया है कि इंटरनल रिलाइटर को हम लोग लैंप से नहीं निकालेंगे और ना ही उसका क्लीनिंग और रिपेयरिंग करेंगे। और एक ही टेबल पर, जिस टेबल पर पहले लैंप में क्लीनिंग और रिफिलिंग किया गया था, उस यदि हम लोग को इंटरनल रिलाइटर को साफ़ करना है और रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट टेबल का इंतजाम करेंगे और उसी टेबल पे हम लोग इंटरनल रिलाइटर को निकाल करके फर्दर क्लीन करेंगे, रिपेयर करेंगे। लास्ट पॉइंट डी में कहा गया है कि हम लोग सूटेबल नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को रखेंगे, जो आग को बुझा दे वैसे इक्विपमेंट को हम लोग रखेंगे सेफ्टी लैंप रूम में, ताकि यदि फर्दर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कि आग लग जाए सेफ्टी लैंप रूम में, तो उसको हम लोग बुझा सकें। इसलिए एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग रखेंगे एज अ सेफ्टी पर्पस के लिए इन अ सेफ्टी लैंप रूम में। तो यही सारे बातें थी आपकी रेगुलेशन नंबर 182 कहता है प्रिकॉशन टू बी टेकन इन सेफ्टी लैंप रूम। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।